दोस्तों ये है पोको C55। आज इस स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे ये स्मार्टफोन कैसा है। दरअसल दोस्तों ये स्मार्टफोन मेरे दोस्त ने मंगाया है अपने यूज के लिए, तो चलिए दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में और जानेंगे क्या कुछ इसमें देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों अनबॉक्सिंग इसका कर लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो स्मार्टफोन देखने को मिलता है और कुछ यहाँ पर कागजात देखने को मिलते हैं, सिम इजेक्टर टूल और यहाँ पर 10 वाट का चार्जर देखने को मिलता है और USB 2 माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये है स्मार्टफोन पोको C55। फ़ोन देखने में बड़ा है और इसका जो डिज़ाइन है यहाँ पर, ये पोको का ब्रांडिंग जो दिया गया है, ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन किसी किसी को अच्छा भी लग सकता है, बट ये पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। और बैक में यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। वही दोस्तों फ्रंट की यहाँ पर बेजल्स की बात की तो ये थोड़ा मोटा बेजल्स देखने को मिलता है। ऊपर या नीचे की बेजल्स यदि आप देखेंगे तो थोड़ा मोटा देखने को मिलेगा और ये स्मार्टफोन ड्रॉप नॉच के साथ आता है, तो ठीक है। यहाँ पर इसका जो है बेजल से ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा और पतला होता तो और भी अच्छी बात बन जाती। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 6.72 इंच का एक HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें आपको 60 हर्ट्स का ही नॉर्मल रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन यहाँ पर टच टेम्पलेट 240 हर्ट्स का देखने को मिलता है। और दोस्तों साथ ही इस स्मार्टफोन में 500 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, तो ये अच्छी बात है यहाँ पर डिस्प्ले का क्वालिटी। बाकी जो है रियल लाइफ में आपको अच्छा देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोई भी डिस्प्ले को लेकर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। वहीं दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर दोस्तों बजट रेंज में ये परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा चिपसेट दिया गया है इस स्मार्टफोन में। MediaTek Helio G85 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक मीडियम प्रोसेसर है और इसमें आपको मीडियम सेटिंग पर गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और डेली वर्क में काफ़ी अच्छा से ये काम कर जाता है। बाकी दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज का है, तो आपको एक्सपीरियंस अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है MIUI 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है और ये रन करता है एंड्रॉयड 12 पर, तो इसमें आपको एंड्रॉयड 12 देखने को मिलता है। और वहीं ये जो इस स्मार्टफोन में बैटरी मिलता है 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, बट यहाँ पर चार्जर जो है 10 वाट का मिलता है और उसके साथ ही यहाँ पर USB 2 चार्जर दिया गया है, यहाँ पर टाइप सी चार्जर नहीं मिलता है, तो ये एक डिसअपॉइंटेड बात लगी मुझे। यहाँ पर टाइप सी होता तो और भी अच्छी बात बन। एक चीज़ और दोस्तों ये बेनिफिट में है, ये इनमें जितने भी एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं जो कि ब्लॉटवेयर हैं, फालतू के एप्लीकेशन, जैसे कि ये बबल सूट गेम है, बहुत सारे एप्लीकेशन है जिन्हें आपको ऑन इंस्टॉल कर देना चाहिए ताकि बैटरी बैकअप जो है इस स्मार्टफोन का ज़्यादा बढ़ जाए। और वैसे भी रखने से ये स्टोरेज भी एक्स्ट्रा ये स्मार्टफोन लेता है इन एप्लीकेशन से, तो आपको सबसे पहले तो इन एप्लीकेशन को ऑन इंस्टॉल कर देना है, जैसे कि स्पॉटिफाई हो गया, जेवल्स ब्लास्ट, अमेजन प्राइम देखते हैं तो ये रख सकते हैं या ऑन इंस्टॉल कर सकते हैं, मौज हो गया, डस्ट सेटल। बात करें यदि कैमरा सेटअप की, तो इसमें आपको पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहां पर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है, जो कि किसी काम का नहीं होता है। और आपको फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर देखने को मिलता है। कैमरा इसे स्मार्टफोन में आपको बिल्कुल लो क्वालिटी का ही देखने को मिलेगा, कुछ हमने पिक्चर्स लिया है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बाकी दोस्तों इसमें आपको फीचर्स भी बहुत ही कम देखने को मिलता है, नाइट मोड देखने को मिलता है, पोर्ट्रेट फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग, और मोर में जाते हैं तो आपको 50 मेगापिक्सल का फोटो शूट करने का ऑप्शन दिया जाता है और उसके अलावा यहां पर आपको एक टाइम लैप का ऑप्शन दिया जाता है, बस इतना ही आपका ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है कैमरा में, ज़्यादा कोई फीचर्स देखने को इसमें नहीं मिलते हैं। बाकी दोस्तों इस स्मार्टफोन में आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों तरफ से आपको 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन दिया जाता है और यहां पर हमने वीडियो कुछ रिकॉर्ड किया है, ये भी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं इस स्मार्टफोन की कंक्लूजन पार्ट पर।
यदि दोस्तों आप कोई गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं 7,000-8,000 के बजट रेंज में, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट है। बट यहाँ पर कैमरा इस फोन का उतना बेहतर नहीं है और डिस्प्ले भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है और डिजाइन इसका जो है एवरेज आपको देखने को मिलेगा। डिजाइन भी उतना खूबसूरत नहीं है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको बहुत सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे जिनमें आपको बेहतर डिजाइन प्रोवाइड कराया जाता है और साथ ही और भी स्पेसिफिकेशंस आपको बेहतर देखने को मिल जाते हैं। लाइक रियलमी C30 स्मार्टफोन है, उसका डिजाइन आपको अच्छा मिलता है लेकिन वहाँ पर कैमरा भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। तो आप रियलमी C30 को भी देख सकते हैं सेम प्राइस रेंज में, वो भी स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा, वो आपको 1,000 कम ही देखने को मिलेगा। हो सकता है उस स्मार्टफोन का भी हम अनबॉक्सिंग आगे देखते हैं, ला सकते हैं। तो बाकी दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये दोस्तों मेरा सेकेंड अनबॉक्सिंग वीडियो है स्मार्टफोन को लेकर, तो दोस्तों थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा उतना तो अच्छा नहीं है क्योंकि नया हम बना रहे हैं वीडियो, शुरू बना रहे हैं तो एक्सपीरियंस उतना अच्छा मेरा नहीं है। बाकी आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसे ही हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे और धीरे धीरे हम अपने आप को इम्प्रूव भी करेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।